तो हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आपको सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इस माइक का अनबॉक्सिंग एंड साथ ही साथ इसकी मैं पूरी ऑल ऑफ डिटेल एंड आउटडोर टेस्ट एंड इनडोर टेस्ट दोनों देने वाला हूँ। तो आप अभी देख रहे हैं टैग बहादुर यूट्यूब चैनल। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। प्राइस दिखा देता हूँ, यहाँ ऊपर मेंशन किया हुआ है 2999 का। अभी मैंने जब ख़रीदा था और अभी इसकी जो प्राइस है थोड़ी ऊपर नीचे हुई है। तो आप वहाँ पे लिंक मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो ये रहा वो माइक यहाँ पे। एंड इसके साथ एक चीज़ मिला है, मेरे को ईयरफोन मिला है। तो ईयरफोन बेसिकली वैसे वो उसको ही काम करनी है, मेरे को ऐसे ही दे दिया गया है। बाकी इसका जो ये नंबर है इससे वारंटी क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये माइक जो है वारंटी में आता है। 1 साल की आपको रिप्लेसमेंट वारंटी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी बात है। 300 रुपये में मस्त है, मतलब वारंटी आपको मिल रहा है, वो भी माइक में। तो अब इसका माइक हम उससे पहले हम इसका पूरे ऊपर डिटेल्स पढ़ लेते हैं बॉक्स को ऊपर। तो पहले मैंने ऐसे इसकी पैक ये पूरी सील आया था, तो आपको पहले बता देता हूँ मैं। ये मैंने पहले कट करके देख लिया था और इसका पूरा ये यहाँ पर डिटेल दिए गए। एंड यहाँ पे पूरा ये मेंशन किया है, हाई फाई वॉइस स्टोरियो एंटी इन्फ्रेंट एंड क्लियर वॉइस। तो यहाँ पे ये है एंड ये सुपर साउंड फॉर ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो आप ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग दोनों कर सकते हैं। यहाँ पे भी वो सेम मेंशन किया गया है। और यहाँ पे डिजिटल रिकॉर्डिंग सब पढ़ लीजिए आप, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, क्योंकि इसकी उसके अंदर कुछ है नहीं। बाकी आपको टेस्ट करके जरूर दिखाना है, वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं आप कह रहा हूँ। बाकी यहाँ साइड में लिखा 3.5 कॉलर माइक्रोफोन और कुछ नहीं है। और चलिए हम पहले इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा माइक। इसको जरा मैं बाहर निकाल लेता हूँ, ये रहा वो माइक। एंड इसका ये क्या चीज़ है, ये है वो इसका जो कॉलर में आप क्लिप लगाते हैं वो चीज़ है। तो बॉक्स बिल्कुल खाली और इसको रखते हैं जरा साइड में। तो अभी हम माइक पे आते हैं सबसे पहले, फिर क्लिप पे आते हैं। तो माइक के जो क्वालिटी है वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यही सब देखते हैं कि क्वालिटी कैसी है। तो क्वालिटी मेरे को बहुत बेहतरीन लगी, क्योंकि इसकी जो क्वालिटी है, इसके जो ये वायर क्वालिटी है ये अच्छी है, नो डाउट बहुत बढ़िया हुआ है। एंड इसका सबसे पहले आपको जो टेस्ट करना, आपको माइक की जो सबसे बढ़िया माइक जो होती हैं वॉइस अच्छे से जो कैप्चर करते हैं, वो है इसका गोल्डन प्लेटेड जो है ये, वो इसको पर जो चढ़ा होता है वो सबसे बढ़िया अच्छे से वॉइस कैप्चर कर लेती है। एंड इसका जो मफ है ये भी बहुत सॉफ्ट है। एंड इसको हटाएं तो ये देखिए, पहले तो ऊपर ये देख लीजिए, ये पूरा प्लास्टिक बिल्ड है, इसकी प्लास्टिक क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है। चलिए इसको लगाते हैं हम साइड में। और इसकी जो पैकेजिंग जो क्वालिटी है वो मेरे को अच्छी लगी। इसके ऊपर एक रैपिंग और आई थी, वो पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया हूँ, मिल नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने ऐसी अभी पैकिंग की थी। तो इसकी जो क्वालिटी है वो अदर जो ईयरफोन वो माइक जो आती हैं उनसे बहुत अच्छी है। उनकी उनकी जो क्वालिटी होती है वो ऐसी एक टाइप से गोल को घुमा कर दे देते हैं, वो अलग अजीब सा लगता है। बाकी इसकी जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है, वायर की क्वालिटी बढ़िया है। और इसका माइक का तो आपको पता लग जाएगा, आगे देखते रहिए वीडियो को। और चलिए इसको खोल लेते हैं। खुल जा भाई। तो ये इस तरह से खुलेगा, इसको निकाल दिया हमने। एंड ये क्लिप है, ये भी मेटल का आपको मिल जाएगा, पूरा मेटल है। आप देखिए आवाज़ सुन सकते हैं, पूरा मेटल है, कहीं से भी प्लास्टिक नहीं है, पूरा मेटल है। एंड ये यहाँ पे लग जाता है, एक मिनट यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कहाँ लगेगा। वैसे आपको पता ही होगा कहाँ लगेगा, बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ, ये इस तरह यहाँ लग जाएगा। तो आपको सबसे पहले मैं इसका टेस्ट करके दिखा दूँगा। तो इंडोर एंड आउटडोर दोनों टेस्ट करने वाला हूँ मैं। तभी हम इंडोर टेस्ट करेंगे, सिर्फ मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से सुन रहे हो, अभी हम इंडोर टेस्ट इस चीज़ से करने वाले हैं। तो टेस्ट आप देखिए। तो अभी मैंने अपने फ़ोन में इनपुट कर दिया हूँ इसका ऑक्स, और अभी हम इसका माइक टेस्ट करने वाले हैं। तो आप बताइए अब इसका जो माइक की क्वालिटी है वो कैसी है, कमेंट में जरूर लिखिए। एंड इस कंपनी का फिर नाम मैं बता देता हूँ आपको, क्रोसपिक्स के नाम से ये कंपनी है, ठीक है, मेड इन इंडिया। और हाँ, वीडियो आपको कैसी लग रही है लाइक ज़रूर करें।
ठीक है, एंड अब चलते हैं हम आउटडोर में। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अभी आउटडोर में। तो आउटडोर में इसकी जो आवाज़ जो कैप्चर होने वाली है बहुत अच्छी होनी चाहिए, एंड जो बैकग्राउंड नॉइज़ है वो भी कुछ हद तक कम हो जाना चाहिए। और कमेंट में आप भी जरूर बताएं कि इसकी जो मेरी आवाज़ जो अच्छे से कैप्चर हो रही है फिर नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसके आगे बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका आउटडोर टेस्ट इंडोर टेस्ट दोनों कर लिया हूँ और मेरे को इसका जो रिज़ल्ट मिला है वो भी सुपर रिज़ल्ट मिला है। खासकर मैं आउटडोर की बात करूँ तो आउटडोर का भी मेरे को अच्छा रिज़ल्ट मिला है, क्योंकि मैं इसलिए इसे कह रहा हूँ, आउटडोर में मेरे को इसकी जो बैकग्राउंड नॉइज़ जो होती है वो बहुत हद तक कम देखने को मिली है मेरे को। एंड मैं अपने जो रिकॉर्डिंग मैंने जब सुना मैं हैरान हो गया था कि इसकी जो इस प्रेस पॉइंट में आपको आउटडोर की जो क्वालिटी है वो आपके अच्छे से कैप्चर हो जा रही है, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। इंडोर में मैं बात करूँ तो इंडोर में भी तो आप जानते ही हैं, चार दीवार के बीच में रहते हैं तो बैकग्राउंड जो नॉइज़ होती है वो बहुत हद तक कम हो ही जाती है, तो वो बात अलग है। आउटडोर का जो मेन फोकस होता है जो ये अच्छे से कवर कर लेता है। तो दोस्तों इसी इसी के बारे में आज इस माइक के बारे में आज मेरे को बताना था, तो आज इस माइक के वीडियो मैंने रिव्यू एंड टेस्ट दोनों कर दिया हूँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था, एंड अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।